टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में आज फुटबॉल खेलने वाली लड़कियों ने हिजाब पहनकर फुटबॉल खेला है। लड़कियों का हिजाब पहनकर फुटबॉल खेलने का मकसद सिर्फ इतना है कि वो किसी के डराने या धमकाने या फिर एजुकेशन में रुकावट डालकर आप लड़कियों को हिजाब पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। लड़कियों का कहना है कि मेरा हिजाब मेरा अधिकार है। इस फुटबॉल खेलने में सिर्फ मुस्लिम लड़कियां ही नहीं बल्कि इसमें हिंदू समाज की लड़कियां भी हिजाब पहनने का समर्थन करके और फुटबॉल खेल रही थी। जो लड़कियां आज फुटबॉल खेल रही थी हिजाब पहनकर, उनका नाम है सबा परवीन, खुशी भाटिया, साजिदा शेख खान, तमन्ना पायल पाटिल, खान आयशा खान, आरजू सायमा शेख। ये सभी लोग हिजाब पहनकर आज फुटबॉल खेले और इस दौरान क्या कुछ कहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पायल पाटिल है, मैं हिंदू। हिजाब पहनकर यहाँ पर सभी लोग खेल रही हैं, आपके साथ मुस्लिम लड़कियाँ भी हैं और देखा जा रहा है पूरे देश भर में हिजाब के खिलाफ, बुरखा के खिलाफ एक जो है अलग ही माहौल बन चुका है। तो ऐसे में आप लोग हिजाब पहनकर यहाँ पर एक साथ खेल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग मतलब हिजाब पहनना वो हर किसी की चॉइस, वो मतलब उनकी चॉइस है, उनको पहनना देना चाहिए। वो किसी के मतलब रेगुलेशन के हिसाब से तो नहीं चलेगी ना, ये तो नहीं बोलेगी कि नहीं पहनेंगे। वो हमेशा से पहनते आए और पहनते रहना चाहिए क्योंकि वो उन लोग की मर्ज़ी, उनको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। और हम लोग मुस्लिम के खिलाफ नहीं, मुस्लिम के साथ है बल्कि, और वो बुरखे के मतलब साथ चले गए कि नहीं इन लोग को पहनना देना चाहिए। कर्नाटक में जिस तरह से श्री राम सेना ने किया है हिजाब पहने जो लड़की जा रही थी, वो लोग गलत कर रहे हैं। एक हिसाब से वो लोग गलत ही कर रहे क्योंकि वो उन लोग की मर्जी, वो लोग को क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, वो लोग थोड़ी ना चॉइस करेंगे। वो लोग के घर के तो नहीं है ना, वो लोग बोलेंगे उस हिसाब से चलना चाहिए, वो उनकी मर्जी कैसे चलना है कैसे नहीं चलना। और वो लोग तो पहले से पहनते हुए आ रहे, और पहले नहीं हुआ तो अभी क्यों हो रहा है बुरखे के खिलाफ। आई एम खुशी भाटिया, मैं बुरखे के खिलाफ नहीं हूँ बल्कि मैं उन्हें और सपोर्ट करूँगी क्योंकि वो मतलब वो उनकी उनकी लाइफ है, वो उनकी चॉइस है, उन्हें अगर पहनना है तो वो पहने। और क्योंकि इससे पहले भी ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब बुरखा बंद होना चाहिए, वो पहले से पहनते हुए आ रहे। और भारत में हर चीज़ पहनना अलाउड है, जीन्स जो भी मतलब जिसकी जैसी मर्जी है वो सब ऐसा पहनना अलाउड है, तो बुरखे पे क्यों अभी पाबंदी लगाई जा रही है? बुरखा उनकी चॉइस है, उन्हें पहनना चाहिए। और मैं उनके खिलाफ नहीं जाऊंगी बल्कि मैं उन्हें और सपोर्ट करूंगी। हिजाब और बुरखे को लेकर मुस्लिम समाज की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनका साफ कहना है कि मेरा हिजाब मेरा अधिकार, ये अधिकार कोई उससे छीन नहीं सकता। हाँ, क्यों नहीं छीन सकते, हम लोग का राइट है, हम लोग पहले से ही पहनते आ रहे हैं, लोग नहीं रोक सकते हम लोग को। मेरा नाम सभा परवीन है, मैं पिछले 5 सालों से मुंब्रा में यहाँ की लड़कियों को, जो लड़कियाँ पढ़ नहीं सकती हैं, ज़्यादा करके घर से बाहर नहीं निकलती है, तो मेरा काम इनके ऊपर ही होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम लड़कियों के ऊपर। मेरा काम नॉन मुस्लिम और मुस्लिम लड़कियों के ऊपर काम है। मैं इनको फ्री में यहाँ पर तेज फुटबॉल करती हूँ, इनके एजुकेशन पे ऊपर काम चलता है। तो मेरा मकसद यही है कि जो अंदर लड़कियों के अंदर जो स्किल छुपी है उसको कैसे हम बाहर निकाल सकते हैं, लड़कियों को कैसे पैर पर खड़ा करके उनका एजुकेशन दे के उनको स्पोर्ट्स में लाकर कैसे उनको जॉब करने का तरीका, जॉब कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह से हिजाब को लेकर फुटबॉल खेला गया, हिजाब पहनकर फुटबॉल यहाँ पर खेला गया जी, तो क्या कहेंगे? और देश भर में एक अलग ही माहौल चल रहा है हिजाब के, देश भर में जो माहौल चल रहा है, जैसे कर्नाटक में जैसे माहौल चल रहा है, जैसे मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है, ये पहले आपने देखे होंगे कि जैसे बुली एप्स था, सुली एप्स था, पहले मुसलमान लड़कियों को, औरतों को उन पर नीलाम किया गया, बेइज्जती कराई गई, उसके बाद धर्म संसद हुआ था, उसके बाद अब इन लोग ने नकाब का सहारा ले लिया। मतलब कब तक का आप जहर घोलोगे, और किस में जहर घोल रहे हो आप? एक स्टूडेंट के ऊपर, स्टूडेंट के हाथ में आप बुक्स दो, कलम दो, या आप भगवादारी दुपट्टा, भगवादारी रुमाल, ये सब क्या है? ये पॉलिटिशियन मत खेलो, बच्चों के एटलीस्ट बच्चों के साथ तो मत खेलो। यहाँ मेरे फुटबॉल में स्टूडेंट मुस्लिम भी हैं, नॉन मुस्लिम है, करीबन 5 साल से नॉन मुस्लिम और मुस्लिम साथ में खेल रहे, उनको ऐसा कभी नहीं लगा कि हम हिंदू के साथ खेल रहे या हम मुसलमान के साथ खेल रहे। हर एक त्यौहार में हम उनके घर पर जाते हैं, बच्चे हमारे घर पर आती हैं। तो एक ये माहौल हम जो बनाया जा रहा नफरती माहौल, उसको बंद करना चाहिए।